हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल? ऑल गोइंग गुड, वेरी वेरी वेलकम टू यू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू वॉच गेम बिटवीन लाइनस कार्लसन एंड हिकारु नाकामुरा, सो लेट्स स्टार्ट द गेम। गेम की शुरुआत इस ओपनिंग के साथ हुई है, और अगर हम यहाँ पर गेम को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो इस गेम में वाइट ने अपना नाइट को एक्टिव किया है। थोड़ा आप जैसे कि देख सकते हो, काफी प्लेसेस हैं नाइट के लिए मूव करने के लिए, और इस ब्लैक को, ब्लैक बिशप को लेफ्ट साइड में थोड़ा एक्टिव किया है। और ब्लैक की बात करें तो उन्होंने सिर्फ ब्लैक बिशप को लेफ्ट साइड में एक्टिव किया है, उन्होंने भी अपने मंत्री को एक्टिव किया है, और उन्होंने भी बस सेंटर पे पकड़ बनाने की कोशिश किए हैं। और अगर हम चेस की बात करें तो चेस में वही विजेता होता है जिसकी पकड़ सेंटर पे थोड़ा बेहतरीन होती है। यहाँ तक की बात करें तो मैग्नस कार्लसन यहाँ से नाइट को पिन कर सकते हैं, जो मेरे को काफी अच्छी लगती है। जो उन्होंने किया है, और उसके साथ साथ दूसरे नाइट को भी थोड़ा एक्टिव किया है और इस पॉन पे दबाव बना रहा है, प्रेशर बना रहा है। और मैग्नस अपना बिशप को ब्लैक के नाइट के साथ एक्सचेंज करते हुए, अगर बिशप की बात करें तो बिशप के चलने का एक ही कारण हो सकता है, इस पॉन पे ब्लैक अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अटैक करने के लिए। बट हिकारु नाकामुरा ने भी इस बिशप से इससे अपना डिफेंस रखा हुआ है। क्या देखते हैं इसकी सकते हैं क्या नहीं? मैग्नस ने डबल अटैक बनाते हुए पॉन पे, जैसे कि आप देख सकते हो, ब्लैक है ट्रिपल डिफेंस ऑन दिस पीयर, सॉरी डबल, ब्लैक ऑल्सो हैव डबल डिफेंस ऑन दिस पीस फ्रॉम मंत्री एंड बिशप। मैग्नस ने फिर से दूसरे पॉन पे एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन्होंने किया। मैग्नस कार्लसन ने मंत्री एक्सचेंज करने के ऑफर देते हुए नाकामुरा को, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। और दूसरे पॉन को यहाँ पर लिया, जिस पॉन से सबसे मैग्नस लगे हुए थे, उस पॉन को आखिरी में मैग्नस जीतते हुए अपने बिशप्स को सेक्रीफाइस किया है। नहीं, उस बिशप्स को नाकामुरा ने छोड़ दिया। वाह, आई डोंट नो। और नाइट को लिया है क्योंकि मैग्नस ने भी अपने बिशप्स को सेक्रीफाइस किया था स्टार्टिंग में अपने नाइट के साथ।
माइट बी दैट रीजन नाकामुरा ने भी अपने बिशप को सेक्रीफाइस किया उनके नाइट को जीतने के लिए, और फिर उसी के साथ अपने दूसरे ब्लैक बिशप को खोते हुए नाकामुरा यहाँ तक ब्लैक ने दोनों बिशप अपने खो दिए हैं। और गेम की बात करें तो जैसे आप बार में देख सकते हैं गेम अभी बिल्कुल इक्वल है, दोनों साइड से कोई भी जीत सकती है दोस्तों। फिर से मैग्नस इस पॉन पे अपना वर्चुअल टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं रुक और मंत्री के डबल अटैक के साथ। क्या इस पीस को मैग्नस जीत सकते हैं, देखते हैं भाई। फिर से मैग्नस मंत्री को एक्सचेंज करने की ऑफर देते हुए, और इस बार नाकामुरा इस ऑफर को एक्सेप्ट किए। फिर और यहाँ पर नाकामुरा इस पॉन को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्या जीत सकते हैं? फिर से देखते हैं आगे गेम में। इन्होंने डिफेंस किया रुक से, रुक ब्लैक के रुक को नाइट से अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं मैग्नस, जो उन्होंने किया। और फिर से राजा को चेक देते हुए राजा नॉर्मल गेम चल रही है अभी तक, अभी तक बिल्कुल इक्वल बार दिखा रहा है दोनों साइड से, कोई भी जीत सकता है। और इस पॉन को मैग्नस हारते हुए, नहीं इस पॉन को छोड़ चुके हैं नाकामुरा। आई डोंट क्यों छोड़े, बिल्कुल उनके पास कोई अच्छी चाल होगी जो हमें नहीं पता मे भी। और दूसरे रूप पर अटैक बनाते हुए नाइट से मैग्नस और ये मिस्टेक दिखाई जा रही है दोस्तों। क्यों कि हम देख सकते हैं इन्होंने उसको आगे किया, यहाँ पर वो पॉन को ले सकते थे मे भी, जो बेहतरीन मूव मूव होता गेम के हिसाब से, बट इन्होंने नहीं किया। एक पॉन पूरी गेम को खराब कर सकती है, सैनिक बहुत मायने रखती है इस गेम में दोस्तों। और वही यहाँ पर नाकामुरा ने थोड़ी मिस्टेक की है, आप बार भी देख सकते हैं थोड़ी मैग्नस के पक्ष में आते हुए, डबल पॉन जीत सकते हैं मैग्नस। दूसरे पॉन को जीतते हुए मैग्नस आगे बढ़ रहे हैं गेम में। नाइट पे अटैक करते हुए सैनिकों से मैग्नस कार्लसन, और फिर से नाकामुरा एक ब्लंडर करते हुए। ये ब्लंडर क्यों है दोस्तों, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। अगर यहाँ तक देखें तो आप ग्राफ को देख सकते हैं कितना
तेजी से मैग्नस की ओर आते हुए इस नाइट को H5 पे जैसे ही चला, नाकामुरा ने पर बार मैग्नस के पक्ष में आ गया। क्या यहां से मैंने यार आज जांच करना चाहिए, कौन सा बेस्ट मूव होता। देखो सैनिक को आगे बढ़ाया मैग्नस ने, यहाँ से मैं भी नाकामुरा यहाँ से चेक देने की कोशिश कर रहे होंगे, या यहाँ से देखते हैं। नहीं, इस पॉन पे क्यों अटैक बना रहे हैं, और ये जो यहाँ से चेक की दे सकते थे नाकामुरा, वो अब खत्म हो चुकी है वो जान से। और फिर से यहाँ पर अपने रूप को एक्सटेंड किया है नाकामुरा ने, और उसी के साथ ज्वाइन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए हमारे साथ। और बहुत ज्यादा मैं नर्वस था इस गेम को लेते हुए, क्योंकि ये फर्स्ट मेरा वॉइस ओवर वीडियो था दोस्तों, बट आप सपोर्ट बनाए रखें, ये दिन बाय दिन थोड़ी बेहतरीन होती रहेगी हमारी तरफ से भी। और बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों का हमें 100 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने के लिए, इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखे दोस्तों। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में, बाय दोस्तों।